और यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत है भाई, एक ने भी काट लिया ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो बस निकलते हैं अब यहाँ से जल्दी जल्दी। तो भाई इनको 500 थाई बात दे देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दिस इज फॉर यू यार। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मैंने कहीं तो देखे हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। किसी को याद हो या पता हो ना कहाँ देखे तो बताना मुझे जरा। मुंह तो इन भाई साहब का ऑक्टोपस का है, शरीर इंडिया मतलब इंसानों का है। ऐसे ऐसे जीव होते थे भाई इजिप्ट के, जिसका देखो शरीर तो इंसानों जैसा है, एब्स वगैरह, लेकिन सर जो है वो डॉगी या भेड़िए जैसा है। थाईलैंड आए और बूम बूम नहीं लिया तो फिर फायदा क्या हुआ थाईलैंड आने का? क्यों, हम भी बूम बूम ले रहे हैं थाईलैंड में, मतलब स्विट्जरलैंड ही आ गए आप स्कॉर्पियन को लेके, मजेदार एकदम। तो यहाँ पे करना पड़ेगा। हाउ मच फॉर द पार्किंग? 3000 ऐसा क्या भाई, यहाँ पे 3000 थाई बात, मतलब इंडिया के भाई 8000 रुपए हो गए। पार्किंग मांग रहे हैं 8000 रुपए की। ये देखो भाई इस तरह की पार्किंग है, कोई ऐसा स्पेशल चीज भी नहीं है जो 8000 रुपए की होगी। हाँ जी, कैसे लगे ड्रोन शॉट भाई? आ रही है ना स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग ग्रीनरी देख देख के, क्योंकि ये जो जगह है ना भाई, इसको थाईलैंड का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। नाम है खाउखो, स्पेलिंग भी आप देख सकते हो भाई, इस तरह से कहते हैं। बैंकॉक से लगभग आपको दिखाऊँ ना अगर मैं, यहाँ से बैंकॉक टोटल है 404 किलोमीटर, 6 घंटे का रास्ता। तो यहाँ ऊपर की तरफ पड़ता है थोड़ा। अभी तो हमने बस ड्रोन शॉट्स के नज़र से ही देखा है ये एरिया, लेकिन आज घूमेंगे भी भाई, आपको दिखाऊंगा कि थाईलैंड का स्विट्जरलैंड कैसा है, यहाँ पे क्या क्या घूमने की जगह है। वाटरफॉल है एक हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से सनसेट बहुत तगड़ा दिखता है, तो सब कुछ जाके देखेंगे, मज़ेदार एकदम। ये देखो आसपास पूरी भाई ग्रीनरी ग्रीनरी, और ये ना ऐसे विला से बने हुए जो हमने कल लिया था रेंट पे, आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा। कुछ इस तरह का टूर है भाई, एक डबल बेड लगा है, एक गद्दा लगा दिया है, ये सारा हमारा लगेज, उधर एक बाथरूम है, बाकी टीवी भी है। बट अच्छा है भाई, 1200 थाई बात में पर नाइट पड़ा हमें विद एक्स्ट्रा मैट्रेस, और अगर मैट्रेस नहीं लेते तो 1000 थाई बात का था, तो मतलब मोटा 1200 थाई बात हो गए, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 रुपये के आसपास मोटा मोटा। बाहर ये देखो जगह बनी हुई है बैठने की, और ये लॉबी है, और इसी के बाहर जाओगे भाई तो ये गाड़ी की पार्किंग दे रखी है। मतलब ये काइंड ऑफ ना एक पूरा कॉलोनी की तरह है, जिसमें सारे घर सेम है, वाईफाई लगा हुआ है, पार्किंग की दिक्कत नहीं। ये रोड आ गई, और इस एरिया से सारे टूरिस्ट स्पॉट भी भाई 2.5-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही है, तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी अरे कौन है देने को नहीं जर्नी, आज 28 फरवरी 2024, मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर खाउखो में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे। तो भैया बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसी इस ट्रिप पे भी दया दृष्टि बनाए रखना, ठीक है जी। बाहर से देख लो भाई पूरी सोसाइटी को, इस तरह के ये 1 BHK बने हुए हैं। BHK तो क्या किचन नहीं है इनके अंदर, तो खाली ऐसी बेडरूम और बाथरूम है, और पार्किंग इंडिविजुअल है सबकी, तो उसकी दिक्कत नहीं है अपने को। चलो जी चलो चलते हैं फटाफट से स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, और आपको भी दिखाता हूँ भाई क्या क्या है यहाँ पे। कुछ सब कुछ तो है, बट इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ कोई ना, तो मैगी खा के निकले हैं और उसी के सहारे आज जिंदा रहेंगे। पर ये गाड़ी में इतनी मक्खी मच्छर घुस गए भाई, सबको भगाना पड़ेगा है, मेरे उस पर कब्जा करते हो बेशर्मो। सनरूफ भी खोल दिया भाई, जो जो मक्खी है सब की सब निकल जाओ, वरना मारता बहुत हूँ और गिनता कम हूँ, मतलब मारूंगा 100 तो गिनूंगा 10 ही, समझ रहे हो ना, ये परेशानी है मेरे साथ थोड़ी सी। तो मक्खी हो जरा बच के, स्पेशली एक ये मक्खी मैं मच्छर नहीं हूँ, मैं मधुमक्खी हूँ। मच्छर के बाल बेटे, मधुमक्खी ने डस लिया ना उछलते उछलते डोलोगे पूरी जिंदगी। ड्राइवर हूँ मैं तुम्हारा, है ओटीपी बताऊं क्या? ज्यादा नोटी हो रहे हो बेटे, डोज देनी पड़ेगी इंजेक्शन, समझ रहे हो? तो आपको लगेगा मेरे क्यों लगेगा? क्योंकि आप नोटी ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, सब क्या मस्त रोड्स है, मजा आ गया गाड़ी चला के। बस ये हमें राइट टर्न लेना है, यहाँ से जो है अपना वाटरफॉल आ ही गया 300 मीटर की दूरी पे। वाटरफॉल का नाम है भाई श्रीदित, ये देख सकते हो आप,
SRIDIT वाटरफॉल कुछ इस तरह से है। यहाँ तो चेक पॉइंट बना हुआ भाई, आर्मी एरिया है क्या ये? तो भाई टिकट लेनी पड़ेगी। हेलो, टिकट 30 ओके 1% 30 ओके। तो भाई ये देखो पार्किंग के लिए 4-व्हीलर 60 और पर पर्सन है 30, तो 60 और 60 या 120 टोटल 120 ओके। तो भाई 120 बाहर टोटल यहाँ के, यानी कि 300 रुपये में अपना गाड़ी की पार्किंग भी और दो लोगों की एंट्रेंस टिकट भी, मस्त एकदम। आसपास भाई ये सारा का सारा जंगल ही जंगल है। ये देखो मुझे लगा ये आर्मी या फिर अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आता होगा, तो काइंड ऑफ ऐसे इस तरफ मेरे को लग नहीं रहा ड्रोन उड़ाना अलाउड होगा। देखते हैं बाकी वाटरफॉल के वहाँ थोड़ा सा उड़ा लेंगे, ज्यादा नहीं उड़ा सकते ना, हर कंट्री के थोड़े रूल्स भी देख के चलने पड़ते हैं भाई, पता चले हम ही धर ले हैं। थैंक यू। क्या करना, इनको पूछ लूं ना ड्रोन उड़ा सकते हैं? हाँ ड्रोन ही नहीं से पूछ लेते हैं भाई, नियर वाटरफॉल लिख देना। हाँ सही बात है, यही पूछ के चलते हैं भाई, अंदर का टेंशन ही नहीं फिर अपने को। एंड व्हाट इज दिस 400 थाई बात, 400 थाई बात व्हाट इज दिस? फॉरेन व्हाट इज दिस? फॉरेन उड़ा सकते, ओके थैंक यू। भाई यहाँ पे लिखा है फॉरेन चाइल्ड के 200 बात, अडल्ट के 400 थाई बात, नीचे लिखा है 30 और 60, ओके थैंक यू। समझ नहीं आया मुझे क्या है वाला, तो पार्किंग का है, पार्किंग का तो है, पर पर्सन ऊपर जो है वो फॉरेनर्स के लिए तो ज्यादा है, और हम तो फॉरेनर, इनको ये तो नहीं लगा कि हम थाईलैंड से ही है। भाई गाड़ी देख के मुझे लग रहा है उनको ऐसा ना फील आ गई होगी हम थाईलैंड से, वरना तो उनको फॉरेनर्स के हिसाब से लेनी चाहिए थी ना। रहने दो, अब क्या करने है? क्यों दे पैसे हो? बच गए पैसे। यहाँ पे देख लो भाई गाड़ी खड़ी करनी है इधर, और यहाँ से फिर पैदल पैदल जाना है। खड़ी कर देते हैं, दुकानें तो है, नारियल पानी देखते हैं भाई पी लेंगे थोड़ा सा, मैगी तो खा रखी है वैसे। तो भाई इस तरह की देखो टिकट दी है इन्होंने, पर्सनल फीस 30 बात और ये पार्किंग की भी होगी इसी में। चलो अब जो दे दिया भाई दे दिया, पर अगर 330 तो फिर तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ गया प्राइस का, कि फॉरेनर्स के लिए 300 है और लोकल्स के लिए 30 बात, सिर्फ 10 गुना का फर्क। मौसम मस्त हो रहा है भाई आज, ज़्यादा ना धूप नहीं निकली, बादल की वजह से छुप गए हैं। हेलो डॉगी, ये देख लो भाई थाईलैंड के डॉगी देख लो कैसे मटकते चल रहा है। गाड़ी खड़ी कर दी हमने भाई यहाँ पे, कर दो लोग कर दो, ड्रोन उड़ा सकते हैं तो आपको तगड़े तगड़े शॉट दिखाएंगे। ये देखो भाई सब कुछ इन्होंने अपनी थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहीं पे इंग्लिश का यूज़ ही नहीं है, बस वेलकम है इंग्लिश में और कुछ नहीं है। और दुकानें बनी हुई है भाई दोनों तरफ, देखते हैं क्या मिल जाएगा। नारियल पानी दिख तो नहीं रहा मुझे, इनमें से होगा किसी के पास। हेलो, डू यू हैव कोकोनट शेक? कोकोनट शेक? नो कोकोनट नहीं है भाई यहाँ तो। भाई सुनसान पड़ा है, कोई बंदा ही नहीं दिख रहा आसपास, मतलब दुकान वाले ही है खाली, टूरिस्ट तो है ही नहीं यहाँ कोई भी। हाँ हो सकता है वाटरफॉल में हो यहाँ पे ना हो। हेलो, डू यू हैव कोकोनट शेक? कोकोनट शेक? नो। ये क्या भाई कोकोनट शेक नहीं इनके पास? एक पानी की बोतल ही ले लेते हैं, वन वाटर बोतल, वाटर बोतल, कोल्ड। गजब है भाई थाईलैंड में कोकोनट नहीं मिल रहे, ऐसे कैसे हो गया? सिक्स बात ओनली? अच्छा हाँ सिक्स बात सही तो है, 15 रुपए की होगी। तो जी ये है सामने वाटरफॉल, आप देख सकते हो नीचे, देखो वो मॉन्क है भाई फोटो शूट करवा रहे, तो हम भी नीचे ही चलते हैं भाई और थोड़ा सा यहाँ पे उड़ाते हैं ड्रोन, ताकि ड्रोन शॉट आ जाए। इतने कुछ खास आ नहीं पाएंगे, और आप देखोगे ना पानी का भी फ्लो इतना तेज नहीं है, क्योंकि बेस्ट सीजन है भाई रेनी सीजन में आने का, यहाँ पे तब आता भाई पानी ऐसे बरसता हुआ हो, अभी तो हल्का फुल्का ही है। चलो चलते हैं नीचे, यहाँ से रास्ता है भाई, यहाँ से घूमते हुए फिर नीचे जाएंगे। ये देखो बैठने के लिए बना रखी है जगह मस्त। लग तो रहा है भाई पानी से रिलेटेड ही है कुछ, पानी ऊपर लाने का वो जो वेल टाइप का होता है ना, ऐसे बकेट लगी होती है, बाकी पता नहीं है काम तो नहीं कर रहा है ये, तो छोड़ो सीधा वाटरफॉल की तरफ चलते हैं।
लो जी लो पहुंच गए हैं। यहाँ से अच्छा लग रहा है नज़ारा काफी ना, सामने से दिखने में बढ़िया है, उधर से इतना बढ़िया नहीं था। लो जी लो साडा ड्रोन आ गया है, बड़े मस्त मस्त शॉट आए ऊपर से। देखा होगा आपने भाई दूर दूर तक जंगल और ऐसे पेड़ ही पेड़ थे, और यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत है भाई, एक ने भी काट लिया ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो बस निकलते हैं अब यहाँ से जल्दी जल्दी। अच्छा आप जब रेनी सीजन में आओगे ना भाई, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से भी पानी गिरता है, तो ये वहाँ से शुरू होता है वाटरफॉल, और ये पूरा एंड तक होता है भाई एकदम मस्त। कसम से भाई ये मधुमक्खी मेरे ही पीछे पड़ गई, बार बार भिनभिनाई जा रही है, डर लग रहा है कि काट लिया ना तो बुरी बच गया। तेरी हट जा, हट हट, भाग लो भाई यहाँ से, चलो चलो। और यहाँ पे बहुत आवाजें आ रही है भाई, गर्र सुनो, पता नहीं क्या पक्षी है, गिरगिट है क्या है भाई, इतनी देर तेज आवाजें कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं भाई, यहाँ तो रिस्की मामला है, काट लिया तो अगर। रास्ते भी ऐसी है भाई, पत्थर पुत्थर पे बना रखे, देखो पूरा नेचुरल आपको ना एरिया दिखेगा। और सूरज देवता भी आ गए हैं बादल में से निकल के। हाँ चलो, पर यहाँ गर्मी नहीं है पता, इतनी 29-30 डिग्री है, तो जो कल हम जहाँ पे थे ना चियांग खान में, वहाँ से थोड़ा ठंडा टेम्परेचर है इधर का, बढ़िया चीज़ है। जो कि भाई ये डोगी महाराज मिले हैं हमारे पीछे पीछे तक गए थे ये वहाँ पे, तो इनको कुछ खाना खिला देते। आ जाओ आ जाओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे दुकानें हैं भाई, अंडे वंडे मिल रहे हैं, तो हम तो नहीं खा रहे, मैगी खा रखी है। इन भाई सब आ जाओ, कमोन कमोन आ जाओ, इनको बनवा के खिला देता हूँ, बेचारे भूखा होगा। हेलो, कैन यू गिव दिस, हाउ मच हाउ मच हाउ मच हाउ मच हाउ मच लो, कम कम कम, बट ये तो छिलके देना पड़ेगा ना। नो ही कैन ईट प्लेट प्लेट, ये क्या भाई, इन्होंने छिलके समय तक दे दिए अंडे, छिलके भी खा लेंगे क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ, तोड़ के खाएंगे ना। ये देखो भाई, ये कैसे मुर्गी के अंडे भाई, बत्तख के लग रहे हैं मेरे को। लो जी लो, खा लेगा ना, कहीं वेस्ट करे, खा लो, वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, खा लो खा लो खा लो। हाँ वेरी गुड, 55 बात दे देना, 60 दे दो। चलो भाई तीन अंडे है, खा लो पेट भर के। सही बात है, सोन कह रहा हमें तो खाना मिल नहीं रहा, इसी को खिला देते कम से कम, हमारे हिस्से का भी खा लो। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर और भी है बेटे, घेर दिया यार इसने तो, तीसरा भी दे ही दो, खा लो चलो। ओके ओके जी, बाय बाय टाटा। कितने दे रहे हो, 55 है ना। हाँ तो अभी आंटी को ये तो दे दिया अंडे के, अब आंटी को ना सुनो 200 थाई बात दे दो। अब यहाँ पे भाई नॉर्मल गरीब लोग तो मिल नहीं रहे, मैंने कहा वैसे जो छोटे दुकानदार लोग हैं जिनके पास इतना काम नहीं है, क्योंकि लोग देखो ना ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं, तो भाई इनको 500 थाई बात दे देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 100 के दे दो, 100 के 5 दे दो, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू बाय 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 बाय। आंटी खुश होगी भाई, क्योंकि सेल हो नहीं रही थी सुबह से यहाँ पे कुछ भी, मतलब लोग ही नहीं है तो ऑब्वियसली क्या लेंगे। इसलिए आप देखोगे ना दुकानदारों ने आधी दुकानें तो बंद ही कर रखी है। अब कम से कम ये काम कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने कहा इन्हीं को दे दिया जाए, नॉर्मल अगर लोग मिल नहीं रहे अपने डोनेशन के लिए तो थोड़े बहुत और बांट देते हैं, डॉग्स में बांट देते हैं थोड़े बहुत, और बाकी जो है भाई फिर इंडिया में वही भंडारा कर देंगे। चलो भाई चलो, अब नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं। बीच में हमने एक डायनासोर का कोई पार्क सा देखा था, लेट्स सी भाई क्या है उसके अंदर। लो जी लो पहुंच गए हैं, नाम है जगह का डायनासोर खाओ खो, डायनासोर को खाओ वो तुम्हें खाएगा। अब इसकी एंट्रेंस कहाँ से है भाई, क्योंकि दिखा तो इधर से ही रहा है, हैं पक्की बात है, गल पक्की होगी फिर। चलो भाई आगे से देखते हैं, सोहन की मान लेते हैं आज बात पहली बार जिंदगी में। ये रहा, क्या बात है सोहन,
मैं तो बिल्कुल सही निकला, थैंक यू सो मच सुमन। ये हाँ, देखो मैं जी तो हमेशा ही सही होता भाई हूँ। साहब, डीनोसोर है, डीनोसोर है, खाली खाली सा है सब। ये सीजन है नहीं मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना टूरिस्ट के आने का, कोई दिखता ही नहीं है भाई। पार्किंग का लेकिन हर जगह जुगाड़ है, कोई टेंशन नहीं, वहाँ लगाते हैं अपन, सीधा वहीं से निकल जाएंगे। और ये देखो मंदिर लगे हुए भाई, यहाँ केवल दो गाड़ी है भाई, पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, बताओ पार्किंग क्या कैसे कर बात रखी है। है तुमने? चलो जी मार्किंग में लगा देते हैं, लेट्स गो। यहाँ जाने के लिए भी भाई टिकट तो होगी शायद से, वो देख लो कैसा मुंह बना हुआ है भाई, वो इसके अंदर से एंट्री है। वो बच्चों के मतलब की जगह लग रही है, बट ठीक है, हम भी दिल से बच्चे ही है, घूम लेते हैं यार। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मैंने कहीं तो देखे हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो या पता हो ना कहाँ देखे तो बताना मुझे जरा। और यहाँ देखो भाई अमेजिंग डायनासोर, वो भाई साहब देखना, ओए जाओ तैर लो डायनासोर के साथ, आओ आओ ना एक बार हाँ, यहाँ। डायनासोर का बात तो कभी तैयार नहीं। सस्ती है टिकट, हेलो, अडल्ट की है भाई, 120 थाई बात टैक्स इंक्लूडेड, 250 रुपए की दे दो भाई, दो टू टिकट्स या हाँ 240, ओके ओके 240 बात, 500-600 रुपए के आसपास हो गई भाई। अरे देखो भाई यहाँ से एंटर करना है, दांत देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं मेरे हाथ सा भी। अरे ये तो भाई कोई वो है, हल्का मटेरियल, मुझे लगा कुछ वो होगा। अरे हाँ यार सॉफ्ट मटेरियल है ये तो, कुछ फोम वोम से बना रखा लग रहा है भाई। इस तरह की टिकट है देख सकते हो, सिंपल सी। आ जाओ जी यहाँ, तो सर लग भी गया भाई, तो लगेगा नहीं है, देखो मारा सर फोड़ दिया। लगेगा नहीं ना, चोट नहीं लगेगी, आ जाओ कम ऑन फॉलो मी। ओ भाई साहब, अरे हाँ ये देखो भाई इजिप्शियन स्टाइल का बना रखा है इन्होंने, इजिप्ट में देखे थे मैंने ये शायद स्ट्रक्चर, ये भी वैसी है क्या? ये तो हार्ड है भाई, इस पे सर नहीं मारूंगा, आ जाओ। ओए होए हाँ यार, ये पूरा देखो इजिप्शियन स्टाइल ही बना रखा है इन्होंने, दीवार पे आप ये देखोगे ना पेंटिंग वेंटिंग भी बढ़िया लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है इजिप्ट आ गया हूँ मैं। ओ लिखा भी हुआ है पता है दीवारों पे कुछ, जो ऑब्वियसली हमें समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई क्या है ये, मुंह तो इन भाई साहब का ऑक्टोपस का है, शरीर इंडिया मतलब इंसानों का है, क्या क्रेजी लग रहे, डरावने से है ना। हाँ पैर भी देखो, एक में तो पैर है भाई, दूसरे की नोक है खाली, और हाथ केकड़े जैसे है, मिक्सर कर रखा है सब चीजों का। ये देखो ये है भाई टायरानोसोरस रेक्स, देख सकते हो भाई कितना बड़ा है ये, ओए होए ह्यूज भाई, बट ये असली हड्डियाँ नहीं है, ये सब ना बनाए हुए है भाई। हमने वहाँ यूके में देखी थी ना असली हड्डियाँ पूरी डायनासोर की, वो थी तगड़ी तो भाई, और दुबई के एक मॉल में भी रखा हुआ था, तो वो है असली चीज। एंड ये देखो भाई जब अंडे में से डायनासोर निकलते थे ना, तो कुछ इस तरह से फोल्ड होके निकलते थे, ये नीचे पूरा अंडे का शेल है और डायनासोर ऐसे पूरा लपटा हुआ है। ये मोटू जी है ट्राइसेराटोप्स, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, बट ये थोड़ा मोटा सा होता था, और इसके सर पे दो सींग होते थे और एक आगे हॉर्न होता था, तीन सींग, मजेदार। अरे सोहन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये वो भाई सोहन की भी यहाँ पे वो लगा रखी है मूर्ति, क्या बात है भाई साहब, एब्स एब्स निकाल रखे सोहन ने। यहाँ का राजा मैं ही था। अच्छा कह रहे हैं यहाँ का राजा मैं ही था, बेटे छत से चिपका देंगे वो। देखो छत, देखो भाई छत पे भी लिखा हुआ है इन्होंने, अब ये लैंग्वेज कौन सी है पता नहीं, बट इजिप्शियन स्टाइल ही लग रहा है सारा। अब हमें जाना है भाई अंदर गुफा में, यहाँ पे फ्लैश नहीं जला सकते लिखा हुआ है इन्होंने। ओए ये तो भाई वो है एक्वेरियम, अंदर देखो कितनी बड़ी बड़ी, ओ भाई देखो ना शार्क है तो, ये देखो भाई ये सारी की सारी शार्क मछली है भाई साहब, कितनी डरावनी सी लग रही है। हेलो इधर आओ मछलियों, कम 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 टू बिगर शार्क कम। ये किसका बना है भाई? ये भी हार्ड मटेरियल है, इस पे सर मत मार लेना अपना, वरना तो हो जाएगी फिर कुछ तुम्हारे भाई साहब। पूरा ही एक्वेरियम यार, यहाँ तो मछलियाँ दिख नहीं रही मुझे कोई भी, एक में ही थी बस, खाली कर रखा है भाई, या हो सकता है पानी अजीब सा हो रहा है दिखना रही हो। ये देखो भाई पानी के अंदर इन्होंने मूर्तियां सी बना रखी है फेस की भाई साहब। ये रही भाई मछली दिख गई, बड़ी वाली शार्क है इसमें, पर पास नहीं आ रही भाई, भागे जा रही है। यहाँ भी वही सब पेंटिंग ही है भाई पूरी की पूरी, चलो स्किप मारते हैं इसको जल्दी जल्दी, और क्या है यहाँ। ये पूरी देखो भाई एरिया बना रखे जिसके अंदर छोटे छोटे डायनासोर के स्ट्रक्चर्स लगा रखे हैं, और हर डायनासोर का नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है। चलो काफ़ी सारे तरह के डायनासोर होते थे, मैं सोच रहा हूँ भाई अगर उस टाइम पे ह्यूमन भी होते और डायनासोर भी होते तो दोनों साथ में रहते कैसे भाई साहब। मतलब अभी तो सारे जानवर सारे जीव इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इंसान ज़्यादा पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है,
शेर वेर को छोड़ दोगे तो शेर से इंसान डरते हैं, भालू से इंसान डरते हैं, पर उस टाइम पे इतने बड़े बड़े भाई डायनासोर होते होंगे तो इंसानों के तो पिद्दे से लगते होंगे, उनके सामने कोई वैल्यू नहीं होती हमारी। कभी भी कोई डायनासोर आता उठा के खा लेता, जैसे इंसान कोई भी चिकन उठा के या कोई भी पिग उठा के खा लेता है ना, वैसे ही डायनासोर हमारे को खाते हैं। सबसे पहले शिकार होता सोहन का, है अब नहीं कर सकता ना उस टाइम पे, तो बेटे शिकारी भी एक दिन शिकार बनता फिर। ये देखो भाई साहब दीवारों पे भी अलग अलग लगे हुए हैं, और ये आपको समझाने के लिए ना ये भी बना हुआ है कि ये अगर होते तो सोचो इंसान इतना सा होता और डायनासोर इतना, तो भाई इसके डायनासोर के हाथ जितना इंसान पूरा। भाई साहब क्रेजी यार, बन जाते तुम शिकार, फिर हनी सिंह का गाना ही नहीं आता, मैं हूँ शिकारी कुड़िए खाली मेरा वार नहीं जाता। तो उससे कौन सा मेरे लिए बनाया? नहीं उसका गाना ही नहीं आता ना अगर डायनासोर होते तो। देख रहे हो क्या क्या सोच रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। ये आ गया भाई बाहर की तरफ, अब इधर क्या है, हाँ ये भी भाई पूरा इजिप्शियन स्टाइल ही बना रखा है। ये देखो भाई साहब, ये देखो ना कितना बड़ा डायनासोर है भाई, क्रेजी यार। तो ये कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं दिखा रखा उस टाइम पे जब ऐसे ऐसे जीव होते थे भाई इजिप्ट के, जिसका देखो शरीर तो इंसानों जैसा है, एब्स वगैरह, लेकिन सर जो है वो डॉगी या भेड़िए जैसा है। देख रहे हो भाई क्या क्या बना रखा है इन्होंने। एंड ये शायद से ममीफिकेशन हो रही है, जब डेड बॉडी को केमिकल्स और पट्टे वट्टे में लपेट के मम्मी बना दिया जाता था। ये मैंने आपको इजिप्ट वाले ब्लॉग में बताया था पूरा प्रोसेस क्या होता है ममीफिकेशन का, कितना बड़ा है भाई डायनासोर। ये सामने आ जाए अगर कोई तो भैया हालत ही खस्ता हो जाए। ये देख लो भाई, ओए क्रेजी यार, अच्छा डिटेलिंग अच्छी कर रखी है बहुत। यहाँ पे देख लो काफ़ी सारे हैं, ये सुरक्षा कर रहे हैं दरवाजे की, इनका भी सर देखोगे भाई। अच्छा ये मेरे को लग रहा है भाई पार्ट से बनाया हुआ अलग अलग, देखना चेन गेयर उनको कर करके बना दिया गया, बढ़िया लग रहा है। एक ये क्या लिखा है मुझे एक तो ये नहीं समझ आ रहा, चलो अंदर चलते देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ तो कुछ नहीं है बस एक ये डायनासोर का मुंह सा है, इसके अंदर चलते हैं भाई इसके अंदर। ओ लाइटें सी जल रही है बड़ी, भूल भुलैया सी लग रही है, तो जाए ना जाए अंदर। शर्ट बताओ मेरी कैसी लग रही है, थाईलैंड वहाँ से खरीदी थी मैंने चियांग खान से, मज़ेदार है ना भाई, और सस्ती भी थी 300 पता नहीं 350 की। तो भाई पूरी भूल भुलैया है, सर बच सकता है आपका कहीं भी, तो थोड़ा ध्यान से। तो भाई हर तरफ टच करते करते जाना पड़ेगा क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कौन सा रास्ता है और कौन सा शीशा है, कहीं मैं चलता रहूं और सीधा टक से बजे तो ये भूल। अरे मुझे लग रहा था ये रास्ता है भाई पर ये शीशा है। सही बात है यार, वैसे अंदर ही ना खो जाए, पर कैमरे लग रहे होंगे अगर हम खो गए और रोने लग गए तो वो बचाने आ जाएंगे हमें। ये भी ठोक दी ना, देखो ठुक गया, मुझे बता रहा था आज सोहन शीशे से ठुक गया। तुम उल्टे मत चलो, तोड़ दोगे उनके शीशे, अक्लमंद आदमी पीछे चलो मेरे, फॉलो करो, अक्लमंद लोगों को फॉलो करना चाहिए। अभी तो कह रहा हूँ अक्लमंद को करना चाहिए, कहाँ आए जा रहे हैं, वहीं आ गए भाई घूम। ओ भाई अच्छा ये रहा ना, ये देखो भाई डायनासोर का अंडा जब वो निकलता है अंडे से इस तरह से पिचकू सा होता भाई, और कितना बड़ा बन जाता था। ये देख लो भाई उड़ने वाला डायनासोर, सोहनी से चमगादड़ कह रहा था। चमगादड़ ऐसा चमगादड़ बेटा तुम्हें भी खा जाए। निकल गए जी निकल गए बाहर, देख रहे हो भाई भूल भुलैया हो चाहे टूल भुलैया हो सब जगह से पार हो जाते हम। ये और हेलो कुची कुची कैसी है, फिर मैं यहाँ क्यों आता, पागल हूँ मैं उसको देखने आता। क्या ये पानी है ना, आग का है, आग निकलती होगी इसमें से। अच्छा बना रखा है भाई, बट कोई टूरिस्ट ही नहीं है, खाली पड़ा है। ये देखो भाई कितने सारे हैं, वो भाई सब देख रहे हो, इसका तो सर भी हिल रहा है और आंखें भी हिल रही है भाई, क्रेजी यार क्रेजी। ये क्या यहाँ दिखाओ, ये क्या भाई हिरण है के? क्या सलमान खान का नहीं हिरण है सही में, तो इनके सींग को क्या हो गया। ओ भाई साहब यहाँ तो भाई ये भी बना रखा है इन्होंने, जैसे असली हो ये ना, कैद करके रखा हो जैसे असली में। ये डायनासोर तो भाई सबने देखा होगा जिसके आगे के दो हाथ छोटे छोटे से होते, नहीं वैसे सब डायनासोर के छोटे ही होते होंगे आगे के, हाँ भाई सबके यही है। ओ भाई साहब ये वाला देखो, ये तो ऐसा लग रहा है बॉक्सर हो भाई पूरा हट्टा कट्टा। हाँ क्या हाल है भाई लौंडे हैं, किसी कुछ हर तरह के डायनासोर बना रखे भाई इन्होंने जितने भी एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। ये देखो ये फोटो का बूथ है, यहाँ पे आप आगे खड़े होके पापा की परी बन सकते हो, पंख दिखा के इस तरह से बन गया ना पापा की परी, और पीछे डायनासोर है पापा का परा। कुछ कुछ डायनासोर इन्होंने भाई इलेक्ट्रिक वाले बना रखे जिनका सर हिल रहा है आवाज़ें आ रही है, और कुछ कुछ फिक्स है ऐसी। ये देखो इसका हाथ हिल रहा है, दिखाना ये दिखाओ, सोहन को बुला रहा है कह रहा हाथ मिला लो मेरे से आके। वो देखो
और आवाजें भी आ रही है, स्पीकर लगा रखा है। ये देखो भाई, गर्दन तो इनकी रंग बिरंगी सी है, पीछे से काले है पूरे, पता नहीं क्या चीज है। ये असली है भाई, मतलब जू भी बना रखा है इन्होंने थोड़े बहुत। ओ तेरी, डरा दिया भाई ने तो। अरे ओए बदतमीजी नहीं, ये देख लो भाई इसकी मुंडी हिल रही है पूरी। ये तो ऊंट का भाई लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखने में। सोहन दूर मत, दूर हो जाओ, खा जाएगा तुम्हें, दूर हो जाओ, खा गया खा गया, टच नहीं करना। वॉशरूम भी बना रखे हैं इन्होंने, अगर किसी को जाने हो तो जा सकता है। चलो भाई जल्दी जल्दी क्लियर करें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पे दुकान है भाई आइसक्रीम वगैरह की, तो आइसक्रीम खा लेते हैं, मन कर गया बड़ा। यहाँ देखो भाई आइसक्रीम मिल रही है, बूम बूम। थाईलैंड आए और बूम बूम नहीं लिया तो फिर फायदा क्या हुआ थाईलैंड आने का, क्यों? हम भी बूम बूम ले रहे हैं थाईलैंड में। तो भाई चार आइसक्रीम ले लिए यहाँ पे, क्वालिटी वॉल्स भी थी, और एक इनका ये लोकल ब्रांड है कोई ऑरेंज फ्लेवर, जो वैसे होती है नॉर्मल वाली। मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गया, इतना ही था ये जब ही दुकान बनी है यहाँ पे। हाउ मच? 100 बात 100 दे दो। चलो भाई आराम से रेस्ट करते हैं यहाँ पे, खाते हैं अपनी आइसक्रीम, लेट्स गो। कोई है तो है नहीं भाई, भीड़ भड़का मज़े से पूरा अपना ही है राज। अरे भाई ये भी था, ये तो हमने देखा ही नहीं। ये देखना भाई सब क्या मस्त बना रखा है, रंग बिरंगा इन्होंने, कितना सही लग रहा है यार। ये सारे वो है ये जो रिफ्लेक्शन वाले होते हैं ना कलर, ये देखना इसकी आंखें कितनी डरावनी लग रही है भाई, खतरनाक। चलो भाई चलो, यहाँ से अब एग्जिट हो रही है अपनी, लेट्स गो। एक ये शॉप भी है, यहाँ से आप चीज़ें वीजें खरीद सकते हो काफ़ी सारी। ये देखो डायनासोर और ये सोविनियर। सीधा भाई पार्किंग में निकला है, वो सामने खड़ी गड्डी भाई। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है पर कुछ खाने का मिलेगा नहीं मुझे पता है। लो जी लो, अगली लोकेशन पहुंच गए हैं। ये यहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पहले गड्डी खड़ी कर लेते फिर आपको बताता हूँ भाई। तो मैं आपको कह रहा था ना इसको स्विट्जरलैंड बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे है ये विंड फार्म। अभी मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा अंदर, और ड्रोन अलाउड हुआ तो ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, फिर आप कहोगे सही कह रहे हो अनमोल भाई, मतलब स्विट्जरलैंड ही आ गए आप स्कॉर्पियन को लेके, मजेदार एकदम। लेट्स गो जी लेट्स गो। यहाँ दिख रहे हैं सारे टूरिस्ट ना, उन जगहों पे इतने टूरिस्ट नहीं थे लेकिन यहाँ भर भर के है। और यहाँ पे शाम को आना तो बढ़िया है भाई, थोड़ा सा सूरज जब डूब जाए, मतलब 4:30-5 बजे, हम भी 4:30 आए हैं तो यहाँ पे करना पड़ेगा। हाउ मच फॉर द पार्किंग? 30 मैं डर गया, मैं 3,000 पार्किंग के, ऐसा क्या भाई यहाँ पे 3,000 थाई बात, मतलब इंडिया के भाई 8,000 रुपये हो गए, पार्किंग मांग रहे हैं 8,000 रुपये की। मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई, 8,000 रुपये की पार्किंग थाईलैंड में दूंगा क्या मैं आके? ये देखो भाई इस तरह की पार्किंग है, कोई ऐसा स्पेशल चीज़ भी नहीं है जो 8,000 रुपये की होगी। 30 लिया ना, 30 लिया भाई, मतलब कि 80 रुपये की पार्किंग है। कह रहा 3,000 में, सही में भाई मिनी हार्ट अटैक आ गया मुझे 3,000 सुन के। एंड ये देखो भाई कितने टूरिस्ट है, ये सारी गाड़ियाँ भाई टूरिस्ट की है यहाँ पे, ओहो भरे हुए हैं यहाँ पे। ये है जगह भाई, यहाँ आओ घूमने, हुए हुए मजेदार। एंड विंड फार्म क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई यहाँ से दिखते हैं ये इतने बड़े बड़े विंड मिल्स। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े हैं। और भी है इंटरेस्टिंग चीज़ें। अब ये गाड़ी कहाँ ले जा रही है ये नहीं पता मुझे, थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ एक व्यू पॉइंट भी है, ATV भी ले सकते हो आप, और भी एक्टिविटीज़ है करने की। हाँ तो भाई ये इलेक्ट्रिक टुक टुक या बस जो कहना चाहो यही लेकर जाएगी हमें, पूछ लेते हैं कि हाँ। हेलो दिस है ओके, हाउ मच देर ओके। यहाँ पे है भाई इनका काउंटर ना, यहाँ पता करते हैं क्या क्या है यहाँ पे करने का और कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। ये देखो भाई इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही है, वाटर बलून भी है शायद से, और ये भी है भाई, ये विंड मिल हो गया जहाँ पे फ्लावर गार्डन है पूरा, स्ट्रॉबेरीज का फार्म हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनसे पूछते हैं भाई, लिखा तो है पर सारा भाई थाई में ही है, इंग्लिश में तो है नहीं। टिकट फॉर दिस विंड मिल फार्म? ऑल ओके, हाउ मच? 160 बात, टू टिकट्स दे दो भाई, 300 थाई बात, 320 सॉरी, 160 का मतलब हो गया भाई 250 रुपये की टिकट है। और ये टुक टुक जो है हमें सारी लोकेशन में घुमाएंगे, बढ़िया भाई चलना नहीं पड़ेगा। देखो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ, मतलब 5 लोकेशन है टोटल, तो सही है भाई 250 रुपये में तो दे दो भाई। क्या हो गया, ढूंढ लो 1,000 का दे दो, 60 है भाई, 160 नहीं, हाँ ओनली एक का, दो का तो 120 हो गया ना, है करने दो चेंज कोई नहीं, 60 तो सही है भाई, फिर उसी हिसाब से 150 रुपये चेंज है, देख लो।
सही है भाई, मुझे लग रहा है इनके बोलने में इनको गलती हो जाती है। वो भाई साहब 3,000 मांग रहे थे, मांगने थे 30, ये भाई साहब 60 मांगने थे, मांग रहे 160। तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है थोड़ी। जाने से वाले देखते हैं भाई नारियल पानी मिल जाए, क्योंकि बहुत तलब सी हो रही है सुबह से ही नारियल पानी की। डू यू हैव कोकोनट वाटर? कोकोनट नो, कोकोनट ओके। यहाँ नहीं है भाई, ये तो बियर दारू बेच रहे हैं शायद। इस तरह के देखो भाई, ये भी मिल रहे हैं एज अ सोविनियर, आप ले जा सकते हो। काफ़ी सारे हैं, ये पूरा नाम ही विंड फार्म है ना इसलिए। चले चलो भाई बैठते, आओ इनमें से किसी एक में। ये कह रहे भाई यहाँ पे बैठो इस वाली में। नंबर कहाँ है नंबर 4? हाँ 4 ही तो है, यही है भाई नंबर 4। चलो मैं बैठूँगा भाई आगे, आगे से आते हैं शॉर्ट तगड़े, यही तो स्वाद है ज़िंदगी का। चलो जी चलो, लेट्स गो भाई। मैं चला लूँ? पक्का परमिशन ले आओ, जाओ क्या हम चला सकते हैं? यही होंगे शायद। तब आप रेस्ट करो, आ जाओ बस हम आपको घुमाएंगे। दूर से आ गए तो ओके ओके यस। चलो जी ओके ओके लेट्स गो। चलो भाई बैठो बैठो भाई, पूरा खाली पड़ा है, ये खाली हमें ही ले जा रहे हैं। चलो बढ़िया भाई, जाओ भाई पैरों में बैठ जाओ। कह रहे करवा ली बेइज्जती बस, तो क्या वेयर वेयर पैरों पे ना जाओ भाई, जाओ जाओ कुछ कुछ ये रख लो संभाल के। सोहन क्या हो गया सोहन? ठीक है ठीक है, कह रहे हैं भाई सोहन को, कह रहे चला लो गोदी में बैठ के चलाना लेकिन। चलो जी रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा है, पांचों जगह पे आपको घुमाएंगे। ये देखो भाई बाइकर आए हुए हैं यहाँ पे अपनी बाइक लेके। हेलो, अच्छे लोग हैं, मतलब भाई हंस खेल के बात करते हैं काफी ना। ओ भाई साहब चढ़ाई है, और मुझे लगा ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक नहीं है ये तो, डीजल या पेट्रोल है भाई, क्योंकि आवाज देखो ना इलेक्ट्रिक इतनी आवाज तो नहीं करती। एंड ये देखो भाई, आप वैसे एटीवी भी ले सकते थे, एटीवी में जाना हो, बट एटीवी में गड्ढे बहुत पड़ते हैं और मेरी कमर में दिक्कत है आपको पता ही है भाई स्लिप डिस्क की, तो मैं थोड़ा कम ही प्रेफर कर रहा हूँ, आराम से टुक टुक में घूमेंगे। चलो जी चलो, पहली लोकेशन आ गई है और ये हमारे लिए वेट करेंगे, मतलब हम पूरा घूम के जाएंगे तो हमें एंड में छोड़ के भी आएंगे नीचे तक। ये देखो भाई पूरा यहाँ से विंड मिल आपको दिख रहे हैं ना तगड़े, लगा भाई उड़ाना, यहाँ उड़ाते भाई ड्रोन, अच्छे से दिखाते हैं व्यू, ऊपर से ही ढंग से दिखेगा क्योंकि। और ये देखो भाई झूले वूले भी बने हुए हैं यहाँ पे, इसमें भी बैठ के आप मस्त झूल सकते हो, पर ये टेम्परेरी जुगाड़ है समझ रहे हो, कभी भी हो सकता है इसका कुछ। निकालो 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 ड्रोन शॉट्स लेंगे, करते हैं जी ड्रोन शॉट्स, 3 2 1 बूम। चलो जी चलो, मस्त शॉर्ट्स आ गए हैं तीनों तरफ है एकदम, तो विंड मिल थे भाई, पर आराम से मैंने चला चला के सेफ लैंडिंग कर ही दी बस। ओए 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 आराम से भाई, ओए स्पोर्ट्स मोड पे तो भाई क्रेजी वाला हो जाता है ये। आ जा भाई प्रावा। चलो जी, दो स्टाइल है, आप डायरेक्ट ज़मीन पे भी उतार सकते हो, वरना इसको यहाँ से देखो, अरे सेंसर में नहीं, यहाँ से पकड़ो, अरे आ जा भाई उल्टा कर दो, हो गया ना। चलो जी चलो अगली लोकेशन चलते हैं। ये देखो भाई ये पूरा फ्लावर्स का गार्डन है बहुत बड़ा सा, और मुझे लगा हॉट एयर बलून उड़ता है, बट एक्चुअल में ये बस बना ही रखा है इन्होंने। इधर एक ये टेडी बियर्स है बहुत बड़ा, और उधर देखोगे किंग कॉन्ग, भाई सब क्रेजी। चलो जी लेट्स गो टू सेकेंड नंबर लोकेशन। ये आ गया जी हम नेक्स्ट लोकेशन में, यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज भी है, चलो करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखो भाई तीरंदाजी, पर यहाँ कोई है नहीं, बुला के लाओ मेरे को करनी है। अच्छा 20 बात है भाई, सही है भाई, सस्ती चीज है यार, फिर तो महंगा नहीं है, मतलब 50 रुपए में तीरंदाजी है या हाँ तीर ही है भाई। ये देखो तीर कमान शायद से नहीं हो, नहीं ये तो तीर कमान उन्होंने वो वाले क्रॉस बो, ये देखो भाई इस तरह के। चलो मजा आएगा, सीधा भाई चीर की आँख बीच में सेंटर, वो काउंटर बना हुआ है, वहीं से आप एटीवी भी ले सकते हो और इस तरह से बाकी चीज़ें भी ले सकते हो। भाई ये देखो 5 तीर दिए इन्होंने, कितने में?
बीस में सही है, 50 रुपए में देख रहे हो भाई क्रॉस। वो पहले तो सोहन पे निशाना लगाएंगे, आओ सोहन आगे आओ, वो भैया आ रहे हैं सिखाने के लिए, शायद ये सिखाएंगे भाई। ओ ओके 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 थैंक यू। लो जी लो ये तीर, लेट्स सी भाई निशाना लगता है कि नहीं। अब ओ क्या लगता है, येलो पे जाएगा कहाँ? चलो लाल पे जाएगा। ओ लगा है, गिर गया? नहीं लगा है, कहीं कहीं तो लगा, बोतल पे लगा था शायद, आर पार हो गया लग रहा है। ओ भाई साहब करूं ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। ये देखो भाई ब्लैक वाले में लगा है जाके, समझ आ गया। मारने पे ना हल्का सा डिप आ रहा है, तो थोड़ा सा एंगल ऊपर करके मारना पड़ेगा मुझे, जिससे कि सेंटर में लग सके। आप कोशिश करते हैं भाई, एम करेंगे बिल्कुल सेंटर लाल पे लगे। ओह कहाँ लगा? ओ भाई देखो रे वो सर्कल येलो वाले से बिल्कुल जस्ट पास में लगा है। दो तीर बचे हैं, फिर पांचों पास जाके दिखाऊंगा भाई कहाँ कहाँ लगा है। चलो लास्ट है, इसको भी मारते हैं। ओ आ जाओ भाई दिखाता हूँ हवा। तो ये देखो भाई पांच है अपने, 8 नंबर 9 नंबर 6 नंबर, ये तो बिल्कुल एंड में लगा है, और 7 नंबर मतलब अपना 10 नंबर पे नहीं लग पाया, बिल्कुल मिडल। बाकी हमने 8 7 9 सब मार दिए। तीर अंदाज हुआ ही बचपन से ही, जब मैं पैदा हुआ था ना यही लेके ऐसे उड़ा रहा था हॉस्पिटल में भाई, कसम से नारियल पानी नहीं मिल के दे रहा इतनी देर से, मन कर रहा है यहाँ भी नहीं है मुझे तो, लग रहा है पता नहीं क्या है। शायद से ये थोड़ा ना थाईलैंड का नॉर्थ पार्ट है, साउथ पार्ट में ज़्यादा मिलता होगा नारियल पानी वगैरह। अदरक वदरक मिल रही है, अदरक कौन खाएगा यहाँ के भाई, उल्टी चीजें बेच रहे हैं। तो टमाटर तुमने यही लिए गए छोटे वाले? स्ट्रॉबेरी? नो नो ओके स्ट्रॉबेरीज नहीं है, छोड़ो भाई अब क्या लेना फिर? भाई मेरे हिसाब से तो नीचे से ATV ले लेना, या ये टुक टुक ले लेना, सस्ता ही है, क्योंकि पैदल तो नहीं आ पाओगे भाई इतना बड़ा, और इतनी चढ़ाई पे वो भी हालत खराब हो जाएगी। रास्ते देखना कैसे कैसे है भाई, रोड तो है ही नहीं प्रॉपर, बस ऑफ रोडिंग ही चल रही है, और चढ़ाई कभी कभी यूं आ जाती है बिल्कुल। जिसको ट्रैकिंग का शौक है वो कर सकते हैं आके आके, वरना तो ऑप्शन नहीं है दूसरे लोगों के लिए। नेक्स्ट लोकेशन आ गए हैं, जो कि है फिलावर गार्डन। यस यू आर राइट माय फ्रेंड। ये देखो फूल गोभी टमाटर वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पे, इधर से एंट्री आ जाओ। ये देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू है, सामने विंडमिल दिखेंगी और यहाँ पे मस्त फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। चलो क्या देखना इसको, इतना ऐसी एक नज़र मारे आते बस। इस जगह पे अभी उगे नहीं है, यहाँ देख सकते हो, और यहाँ पे उग चुके हैं पूरे, यही है बस भाई सामने का नज़ारा। ओए होए होए, और मुझे लग रहा है सनसेट के लिए वो जो टॉप पॉइंट था ना, वहाँ हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सनसेट तो यहीं होने वाला है। अब कोई नहीं, यहाँ घूम लेंगे। तो भाई यहाँ पे एक गुब्बारे वाला ले लिया, पता नहीं क्यों मन कर रहा था, और ये चॉकलेट के पैकेट्स दिख रहे हैं मुझे, ये ले चलते हैं भाई इंडिया में ना अपने घर वालों में बांट देंगे। दिस हाउ मच? ओह 100, ये 100 बात का है, ये 50 बात का, ओके 150 बात के, सही है भाई। चलो भाई वो चॉकलेट वाला 100 का नहीं 200 बात का था, इन्होंने 750 वापिस करे, क्योंकि मैंने जान के भाई इसलिए ले लिए यहाँ से, अब ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे, इनकी सेल वेल हो नहीं रही होगी, मैंने चलो हम ही खरीद। अरे आवाज आई, अरे ओ भाई सही चीज है। चलो भाई चलो आ गए वापस, और मैं सोच रहा हूँ 500 थाई बात इन भैया को भी दे दिया जाए, इन्होंने मतलब मस्त घुमाया, अच्छे बंदे हैं, हंस मजाक कर रहे थे अपना सही। हेलो, उनके सामने नहीं दे रहे भाई, साइड में दे रहे हैं ताकि वो मना ना करे। थैंक यू, बाय बाय। खुश हो जाते हैं भाई लोग ऐसे मिलते हैं ना उनको। चलो चलो लेट्स गो, अब कुछ सुपर मार्केट ढूंढी जाए, खाने पीने का जुगाड़ करे भाई, वरना तो हम टपक जाएंगे अगर ऐसे ही घूमते रहे ना 5-6 दिन और। पेट में कुछ जा ही नहीं रहा भाई, मैगी चावल यही जा रहा है, आज आलू के परांठे बनाने का विचार है। तो मेन है हमारा एम आलू ढूंढना और प्याज ढूंढना, और आटा अपने पास है ही, तेल अपने पास है ही, तो बन जाएंगे। मिशन आलू थाईलैंड। रस्ते में भाई एक ये मार्केट आई है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी तो है, आलू और वो मिल जाए तो बढ़िया। चलो स्ट्रॉबेरीज तो मिल गई अपने को, बढ़िया। अरे अंगूर भी है इनके पास, चलो अंगूर भी ले लेते हैं। देखना ये नरम तो नहीं, अंदर से खोल के पिलपिले से ना हो, बस
सख्त होने चाहिए, हार्ड स्ट्रॉबेरीज तो सही लग रही है मुझे, हार्ड है ना। चलो ये दो डब्बे ले लो, बढ़िया भाई, फ्रूट्स का तो जुगाड़ है अपने पास। आलू नहीं है यार, पता नहीं प्याज भी नहीं रख रखे, आलू भी नहीं रख रखे, इतनी सारी वैसी सब्जियां रख रखी है। ओ भाई देखना सेब कितना बड़ा है भाई साहब, क्रेजी यार। चलो ये दो ले लो अभी तो फिलहाल। हर जगह वाइन बहुत मिल रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है वाइन फेमस होगी इधर ना कहीं। नो बस ये दो। हाउ मच फॉर दीज टू? ये क्या भाई, आम है क्या है ये क्या चीज़ है अजीब सी। 150 में सही है भाई, 150 थाई बाद में अंगूर भी हो गए। या थैंक यू। चलो जी चलो, मसाला भी दिया भाई इन्होंने तो, ओए क्या बात है भाई, चटकारे मारोगे आज तो इंडिया वाले। अभी एक सुपरमार्केट गूगल पे देखी तो है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, तो चलो वहाँ चलते हैं, आलू प्याज ले लेते हैं। टमाटर तो मिल गया थे रस्ते में, ले लिया हमने, बस प्याज और आलू चाहिए। ये मिल गया भाई बिग सी, यहाँ लगा दूँ, पार्किंग लगा देते भाई यहाँ पे, लेट्स गो। इसमें मिल जाएगा सब कुछ, आलू प्याज टिंडे टमाटर जो चाहिए, और सामने शायद भाई वो नारियल वाला शेक भी। ये भाई अपने होटल से ज्यादा दूर नहीं है, तो ये फिर हम तो इससे अगले वाले में जा रहे थे, ये पास ही मिल गया। इधर ही ये नाइट मार्केट भी है भाई फूड की, तो थोड़ी देर बाद यहाँ भी चलेंगे, पहले शॉपिंग कर लेते हैं पूरी। लेकिन सबसे पहले लेते हैं कोकोनट वाला भाई शेक, मैंगो भी है। हेलो, डू यू हैव मैंगो शेक? मैंगो नो शेक, शेक जूस, मैंगो जूस। ओके, कोकोनट, कोकोनट 1 ग्लास, 1 नो कोकोनट, क्या कह रहे हैं? ओ ओके ओके थैंक यू भाई। इनके बाद तो फ्लेवर्ड वाले हैं सारे, ये देखो असली रियल वाला नहीं है कोकोनट टाइप। ये मंगवाए 1 ओरियो, ओरियो शेक, दिस 1 24। ओरियो वाला भी नहीं है इनके पास, लेकिन कीड़े मकोड़े सारे है भाई जो चाहिए। ये देखो छोटे वाले, ये भी है, बिच्छू भी है भाई, अर्थवॉर्म भी है, ये देख लो मधुमक्खियां भी खा रहे हैं यहाँ पे भाई, ये लंबे कीड़े भी है, बड़े कीड़े भी है, छोटे कीड़े भी है, और सबको फ्राई किया जा रहा है वहाँ पे। इतनी गंदी बदबू आ रही है ना, क्या बताऊं, बस मुझे पता मैंने कैसे वीडियो बनाई है वहाँ खड़े होके। चलो अंदर चलते है अपना प्याज टमाटर लेने। वही भाई इनके पास भी सब्जियों वाला सेक्शन है नहीं मेरे हिसाब से, पैकेट ही फूड है सारा का सारा। क्या है यार, इनको दिखाओ फोटो दिखाओ, उसमें कहाँ है प्याज? ये वो है ना लंबे वाले, गोल वाले दिखाओ, लाल वाले भाई, ये है सब्जियां, बस देख लो भाई। अब तो ऐसी हालत हो गई है, प्याज और आलू भी नहीं मिल रहे इस मार्केट में, देखते हैं कहीं ना कहीं तो होने चाहिए भाई। और ये देखो लॉटरी बिक्री है भाई, आप ले सकते हो। फ्रूट्स है इनके पास सारे, आम है वे बड़े येलो वाले, चलो आम ले लेते हैं भाई। हाँ 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 मजेदार, 35 थाई बात, ले लो 5-6 ले लो आम तो। सही में भाई हद हो गई, प्याज और आलू ही नहीं मिल रहे कहीं पे यार, इतना बड़ा शहर है बताओ। बाकी सब्जियां है ये देखो इस तरह की, टमाटर भी मिल रहे हैं, प्याज और आलू ही नहीं है लेकिन इनके पास। हेलो, ये लग तो लोकल मार्केट रही है क्योंकि यहाँ के लोकल्स भी यहीं से खरीदने आ रहे हैं सामान। नॉन वेज में देखो भाई, फिश वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे, ये देखो भाई, मतलब नॉन वेज में जो मर्जी ले लो इनसे, आलू प्याज नहीं मिल रहे लेकिन। खीरे भी है भाई छोटे छोटे पतले पतले, धनिया पुदीना सब मिल रहा है। क्या दिक्कत है भाई, कमी हो गई क्या आलू प्याज की यहाँ पर? बताओ सब कुछ है यार, हद हो गई, लहसुन तक मिल रहा है और प्याज ये मिल रहा है व्हाइट वाला, रेड वाला नहीं है। व्हाइट प्याज ना सब्जी में अजीब सा लगता है, खाया नहीं जाता। ये देखो नॉन वेज भर भर के है सब, गाजर है, मिर्चे है, पोटैटो ही नहीं है। इन्हें दिखाओ भाई फोटो दिखाओ, इन्हें कहाँ मिलेगा, पूछना इनसे पोटैटो की फोटो दिखाओ, मिलना तो चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता पोटैटो नहीं मिलेगा हमें। तो भाई एक तो ये ले रहे हैं, प्याज तो मिल गए, और ये इतना सारे नहीं, लिटल लिटल नहीं लू ये, दिस ओनली दिस, यस चलो, नो चलो दे दो पैसे। ये जुगाड़ सही बना रखा है इन्होंने ना, पंखा सा लगा दिया भाई ताकि मक्खियाँ वगैरह ना आसपास बिन बिन आए ना। हेलो, ये देखो मैं आई एम गुड, ये देखना झींगे वींगे भाई सब, यूट्यूबर यस इंडिया यूट्यूबर या इनको तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ये देखो भाई क्या क्या है, ऐसी चाँप बेच लो भाई, क्या मजा आ जाए हमें, शेक मिल रहा है। चलो फ्रेंच फ्राइज तो मिल गए भाई यहाँ पे, मैं इन्हें कह रहा हूँ कि इसको वापस रिवर्स करके ना भाई आलू बना दो इसके, हमें आलू चाहिए। 25 दे दो भाई, 25 दे दो पहले यहाँ। ये दिखने में तो भाई ब्रेड पकोड़े लग रहे हैं ना, बट अंदर इसके पता नहीं क्या डाल रखे हैं। स्वीट कॉर्न भी है ये देखो, दिस आल्सो दिस वन, चलो स्वीट ये भी ले लेते हैं, स्वीट पोटैटो कह रहा हूँ, स्वीट कॉर्न। ज्यादा करस्तानियां मत करना अपनी, कहीं टेस्ट ही बिगाड़ दो मसाला वसाला डाल के। कोशिश करते हैं, चलो जैसा बनाएंगे बनाने देते हैं। नो चलो ऐसे ही ले लिए, मैंने कहा कहीं कुछ उल्टा सीधा कर दे। फाइनली भाई एक दुकान मिली है, लेट्स गो। है आलू है इनके पास? ओ शुक्र है, कहाँ आलू? अच्छा वो रे भाई, शुक्र है भगवान जी, जान में जान आई भाई। और प्याज मिला? सब मिल गया। बड़े वाला प्याज मिल गया लाल? ओ वाह क्या बात है भाई। और पाव भी मिल गए,
ये मीठे तो नहीं, मीठे है ये तो, बटर वाले है ये तो कुछ, ये रहने दो, ब्रेड ले लो एक बस। हाँ इनसे पूछो ना, छोटी होगी इनके पास ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर खा के निकलेंगे। हेलो क्यूटी पाए, आंटी जी तो नहीं है क्यूटी भाई साहब, आंटी घूर रही है, मार वार देगी, जल्दी कर लो यहाँ से निकलना है। फाइनली आलू प्याज के परांठे खाने को मिलेंगे आज। चलो भाई फाइनली सारा सामान मिल गया है, आम भी मिल गए, मैंगो शेक के लिए दूध भी मिल गया, चीनी अपने पास है ही, अब करेंगे पाड़ी साड़ी जाके भाई, पेट पूजा हुए हुए, तीन दिन बाद खाना मिल रहा है ढंग से। चलो जी चलो फाइनली पहुंच गए हैं अपने होटल विच, कौन सा था हमारा, वाईफाई वाला था ना, ये वाला है अपना। चलो जी चलो लेट्स गो, खाना बनाएंगे, पेट भर के खाएंगे, मजे दिलाएंगे। चलो जी चलो खाना रेडी है, फटाफट से खाते हैं भाई। इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं बढ़ना फीका, बाय।